नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मैजिक कैंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मैजिक कैंडल क्या है। इस वीडियो में हम आगे समझेंगे और कुछ ट्रेडी भी करेंगे। मैजिक कैंडल पैटर्न एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो ट्रेडर्स के लिए आइडेंटिफाई प्राइस और पोटेंशियल रिवर्सल्स की पहचान करने में मदद करता है। क्या पैटर्न में एक सिंगल कैंडल है या दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर रिवर्सल्स ट्रेड के लिए किया जाता है। अगर एक बुलिश मैजिक कैंडल दिखे तो इसका मतलब हो सकता है कि प्राइस ने अपवर्ड रिवर्सल किया है, जबकि बेयरिश मैजिक कैंडल का मतलब है कि प्राइस ने डाउनवर्ड की तरफ रिवर्सल किया है। ट्रेडर्स कंबाइन द पैटर्न विद अदर इंडिकेटर्स टू गेट मोर एक्यूरेट सिग्नल्स। अब हम आपको ट्रेडिंग करते समय समझाएंगे, तो दोस्तों कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। यदि आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको व्हाइट सर्कल में तीन ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। यहीं से हमारा मैजिक पैटर्न स्टार्ट होता है। यदि हमें मार्केट में तीन ग्रीन कैंडल बनी हुई मिलती हैं, इसके साथ ही एक रेड कैंडल बन जाती है, फिर हमें अगली ट्रेड डाउन साइड की ओर करना होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको व्हाइट सर्कल में तीन ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। अगर यह कैंडल रेड कैंडल में क्लोजिंग करती है तो हम अगली कैंडल पर डाउन साइड के लिए एक मिनट के लिए ट्रेड करेंगे। यह कैंडल रेड कैंडल में क्लोजिंग किया है, मींस अब हमारा रेडी है। हमने डाउन साइड के लिए एक मिनट का ट्रेड प्रेस किया है। यह हमारा ट्रेड सुरशॉट ITM हुआ है। अब हम दूसरे मार्केट में चलते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको व्हाइट सर्कल में एक रेड कैंडल और दो ग्रीन कैंडल बना हुआ दिखेगा। यहाँ भी एक मैजिक पैटर्न बना है। यहाँ हमें ट्रेड कैसे करना है? अगर आप व्हाइट सर्कल में देखेंगे तो आपको दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल दिखाई देगी। हमें उसी रेड कैंडल पर ट्रेड करना है। अब ट्रेड करते समय समझते हैं। अगर आप इस व्हाइट सर्कल में देखें तो एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि हमारा मैजिक पैटर्न रेडी है। अब हम डाउन साइड के लिए एक मिनट का ट्रेड प्रेस करेंगे। यह ट्रेड भी डायरेक्ट विन रहा है। हमारा दो ट्रेड विन रहा है। अब दूसरे चार्ट पर चलते हैं। हमारा दूसरा चार्ट ओपन है। अगर आप इस चार्ट में व्हाइट सर्कल में देखेंगे तो आपको एक रेड कैंडल के बाद चार ग्रीन कैंडल दिखेंगी। इसका मतलब यहां भी एक मैजिक पैटर्न रेडी है। हमें यहां ट्रेड कैसे करना है? आपको चार ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना हुआ है। हमें उसी रेड कैंडल पर ट्रेड करना है। अब अगर हम यहां देखें तो एक रेड कैंडल के बाद तीन ग्रीन कैंडल बनी हैं। लेकिन हमें एक और ग्रीन कैंडल बनने का इंतजार करना चाहिए। यदि ग्रीन कैंडल नहीं भी बनती है तो भी हम अप साइड की ओर ट्रेड प्रेस करेंगे। हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि एक गलती की वजह से हमें कितना लॉस हो सकता है। लेकिन हम यहां मार्टिनगेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हमने अप साइड की तरफ ट्रेड प्रेस किया है। हमें इस ट्रेड में लॉस हुआ है क्योंकि हमारा मैजिक पैटर्न यहां पूरा नहीं हुआ और अप साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल फॉलो कर रहा है। हम नेक्स्ट मार्केट पर ट्रेड करके अपने लॉस को प्रॉफिट में कवर करेंगे। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको चार रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखेगी और आगे भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ चार रेड कैंडल बनती हैं, तो हम अपसाइड की तरफ एक मिनट का ट्रेड प्रेस करेंगे। अब हमारा मैजिक पैटर्न रेडी है। हमने दो ट्रेड अपसाइड की तरफ प्रेस कर दिया है क्योंकि हमें अपना पिछला लॉस भी कवर करना है। यह ट्रेड भी विन रहा है। अब हम प्रॉफिट में आ गए हैं। अब दूसरे मार्केट में चलते हैं। यहां हम एक और ट्रेड करेंगे। आपको चार्ट में व्हाइट सर्कल में दो ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब यह है कि यहां भी मैजिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब अगर यहां दो ग्रीन कैंडल बनती हैं, तो उसके बाद हम डाउनसाइड की तरफ एक मिनट का ट्रेड प्रेस करेंगे। अब हमारा मैजिक पैटर्न बन गया है क्योंकि अगर आप देखें तो दो ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल बना है। उसके बाद फिर से दो ग्रीन कैंडल बनी है। यह ट्रेड भी विन रहा है। अब तक हमने चार ट्रेड मैजिक पैटर्न को फॉलो करते हुए डायरेक्ट विन किया है और एक ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है क्योंकि हमने वहां मैजिक पैटर्न का फॉलो नहीं किया था। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी ट्रेड करे, इसे अपने रिस्क पर करें। हमारा डीप इन पब्लिक चैनल आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन भी दबाएं। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।